एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज ना मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि आज आपके लिए मैं इतनी इजी एंड अमेजिंग एक्सरसाइज लेकर आई हूँ ना कि आपको मजा ही आ जाएगा। एंड डेफिनेटली इन सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आप बहुत ही अच्छा फील करने वाले हो। और आज की एक्सरसाइज की खास बात यह है कि इसको हर कोई फॉलो कर सकता है, चाहे आपका वजन कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, या अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, लाइक अगर आपकी एज 50-60 से अबव है, तो भी आज की एक्सरसाइज को आप बड़ी आसानी से फॉलो कर पाओगे। और अगर किसी को घुटने या कमर दर्द की प्रॉब्लम है ना, तो उनको भी आज की एक्सरसाइज से बहुत फायदा होने वाला है। इससे ना सिर्फ आपका वेट लॉस होगा बल्कि घुटने और कमर का दर्द भी गायब हो जाएगा। अब जब भी वेट लॉस की बात आती है तो बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट हमें यही एडवाइस देते हैं कि अगर आपको एक्सरसाइज करना नहीं पसंद तो डेली 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लो, उससे भी आपका वेट लॉस हो जाएगा और आप फिट हो जाओगे। डेफिनेटली ऐसा होता है, लेकिन 10,000 स्टेप्स का मतलब पता है कितना हुआ? लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक लगातार वॉक करना। अब इतनी देर वॉक करने का टाइम शायद बहुत लोगों के पास हो भी ना, या फिर इतनी देर तक वॉक करने से हो सकता है कि आप थक जाओ या बोर हो जाओ। लेकिन आज जो एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें आपको सिर्फ 15 मिनट देना है और आप कैलोरीज सेम बर्न करोगे, यानी 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करके भी आप 350 से 400 कैलोरीज तक बर्न करोगे। और आज की मेरी 15 मिनट वर्कआउट से भी आप 300 कैलोरीज आराम से बर्न कर लोगे। तो यहाँ आपके पास टाइम भी ज्यादा बचेगा, तो धीरे धीरे जब आपको एक्सरसाइज करने में मजा आने लगे तो आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और रेपिटेशन को इंक्रीज करके और भी ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हो। तो देर किस बात की, आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। तो पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म कर ले, इस तरह से खुद को तैयार कर लेना है एंड गेट रेडी फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज। तो इस तरह से राइट लेग से और फिर लेफ्ट लेग से हमें स्टेपिंग करनी है। आप चाहें तो साथ में अपने हाथ को भी ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। कंटिन्यू इसको आप 30 सेकेंड तक फॉलो करेंगे और हर एक एक्सरसाइज के बाद हम 20 सेकेंड का एक्टिव रेस्ट लेंगे। ऑलराइट, अब 20 सेकेंड इस तरह से हमें मूव करना है। एक ही जगह पर आप स्टेपिंग कर सकते हैं या फिर आप धीरे धीरे करके थोड़ा आगे आएं और थोड़ा पीछे चले जाएं। इस तरह से भी आप स्टेपिंग कर सकते हैं, धीरे धीरे आगे आना है और फिर पीछे जाना है। और खुद को तैयार कर लीजिए, अब हम सेकेंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो अब आपको इस तरह सामने की तरफ स्टेपिंग करनी है, साथ में अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है। करते रहिए कंटिन्यू 30 सेकेंड तक। कम ऑन, यू कैन डू इट। साथ में करेंगे, साथ में स्ट्रांग बनेंगे। अब टाइम आ गया है दोस्तों खुद को फिट करने का, फिट रहने का। वेल डन, चलिए फिर से रेस्ट लेते हैं 20 सेकेंड का। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज पर। तो यहां आपको राइट लेग से और फिर लेफ्ट लेग से वन बाय वन अपने हिप्स के ऊपर किक करना है। इस तरह देख लीजिए, मैं आपको पोजीशन वापस दिखा रही हूँ साइड से भी। सभी एक्सरसाइज बहुत आसान है, तो सभी एक्सरसाइज को 35 सेकंड तक फॉलो करना है, कोई रेपिटेशन नहीं है, तो बहुत मजा आने वाला है। आप भी मेरे साथ इन सभी एक्सरसाइज को करते चलिए। Well done. Okay, now move on to the next exercise. तो यहां आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, राइट लेग के नीचे लेकर जाना है और फिर लेफ्ट लेग के नीचे। तो इस तरह से कंटिन्यू करते रहिए बिना रुके, नॉन स्टॉप हम सभी एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे 15 मिनट्स तक।
और उसके बाद आप देखोगे मैजिक। डेली अगर आप इस तरह से फॉलो करोगे तो 15 दिन के अंदर ही आपका अच्छा खासा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वाओ, सचमुच मजा आ रहा है। अब वापस से हम 20 सेकेंड का एक्टिव रेस्ट ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी हेल्थ हमारे हाथ में होती है। आप एक्सरसाइज करोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे और कई सारी बीमारियों से भी बचे रहोगे, तो इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो इस तरह से आपको साइड की तरफ अपने हैंड को लेकर जाना है, अपोजिट लेग एंड अपोजिट हैंड। सभी एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, हर कोई फॉलो कर सकता है। घुटने दर्द, कमर दर्द में भी आपको आराम मिलेगा इन एक्सरसाइज को करने से। आप ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाओगे, आपकी बहुत सारी बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। ओके, तो अब हम फिर से लेंगे 20 सेकेंड का एक्टिव रेस्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। देखिए कैसे फॉलो करना है। तो इस तरह से पैर को उठाना है, राइट हैंड से लेफ्ट हील को टच करना है, एक बार फ्रंट से करना है और फिर बैक साइड से। तो इसी तरह से करते रहना है, 35 सेकंड तक फॉलो करना है। अगर आपको अपने पैर को पीछे ले जाने में दिक्कत आ रही है तो आप सिर्फ सामने की तरफ इस तरह से भी टच कर सकते हो। बहुत अच्छे। चलिए अब वापस से हम थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी देर खड़े होकर स्टेबल भी रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्टेपिंग करते रहें। अगर आपको ज्यादा थकावट हो गई है तो आप पानी पीकर भी आ सकते हो। ओके, सेम अब हम अपोजिट साइड से करेंगे। To keep it rolling, there's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I'd be tight. Not tonight, you're gonna hear me. Gonna dance it off goodbye. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि बहुत ही मजेदार है। तो आपको अपने लेग को इस तरह से ट्विस्ट करना है और साथ में अपने हाथ को भी इस तरह से मूव करना है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम डांस कर रहे हों, है ना? तो इसी तरह से फॉलो करते रहिए। कमर, पेट और जांघ के मोटापे को कम करने की बेस्ट एक्सरसाइज। All right, वापस से 20 सेकेंड रेस्ट। You're gonna hear me, gonna dance it off goodbye. सेम अब अपोजिट साइड से करेंगे, इस तरह बिल्कुल। You get
जितने भी एक्सरसाइज आज आपको बता रही हूँ इसको हर उम्र के लोग फॉलो कर सकते हैं और कोई बहाना नहीं चलेगा, ना तो कमर दर्द, घुटने दर्द, ज़्यादा वजन वाले, हर किसी के लिए ये एक्सरसाइज है। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बिगिनर फ्रेंडली है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो देखिए कैसे फॉलो करना है। तो बैकवर्ड स्टेपिंग करनी है राइट लेग से, फिर लेफ्ट लेग से, और साथ में हाथ को भी ऊपर की तरफ उठाना है। इस एक्सरसाइज में ना आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है, पूरी बॉडी से वजन घटेगा। जहां भी आपकी बॉडी में लटकी हुई चर्बी है, एक्स्ट्रा फैट है, वो कम होने लगेगा। ऑल राइट, वापस से 20 सेकेंड रेस्ट लेंगे। सो अब ऑलमोस्ट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है, थोड़ा सा टाइम और रह गया है, तो आप लोग भी बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, साथ में एक्सरसाइज करते रहिए, रुकना नहीं है। ये फर्स्ट डे सेकेंड डे आपको थोड़ा सा लगेगा कि ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जब आप इसको करते चले जाओगे ना, 2-3 दिन बाद आपको बहुत मज़ा आने लगेगा, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ ना, आपको इन एक्सरसाइज की हैबिट हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, बस दोनों हाथों को ऊपर की तरफ होल्ड करना है और अपने पैर को 1x1 इस तरह से उठाना है। मुझे पता है आपके हाथ में दर्द होने लगा है, बस कुछ सेकेंड और रह गए हैं, होल्ड करके रखिए। और बस हो गया, कंग्रेचुलेशंस दोस्तों। वापस से आप कुछ सेकेंड रेस्ट ले सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आप स्टेपिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो एक जगह पर खड़े भी रह सकते हैं अगर आपको ज्यादा थकावट हो गई है तो। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी स्किपिंग। तो यहाँ हमारे हाथ में स्किपिंग रोप नहीं है, लेकिन आपको ऐसा फील करना है जैसे आप स्किपिंग कर रहे हो। तो अपने पैर से इस तरह से छोटे छोटे से स्टेप लेने हैं आगे और स्किपिंग करना है। करते रहिए 35 सेकंड तक, बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है। तो अगर आपको भी प्यास लगी है तो आप भी पानी पीकर आ सकते हैं। इतनी एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, तो अगर आपको भी प्यास लगी है तो पानी पी लेने के बाद से आपको और भी ज़्यादा एनर्जी आएगी। बस कुछ एक्सरसाइज और बचे रह गए हैं, चलिए जल्दी जल्दी से इसको फिनिश कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको सुमो स्क्वाट्स पोजिशन ले लेना है और इस तरह से 1x1 अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है। पैरों में अगर आपके दर्द होने लगा है तो आप थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट ले सकते हैं खड़े होकर, 10 से 15 सेकंड का। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो यहाँ आपको इस तरह से अपने पैर को इस तरह वाइब्रेट करते हुए इस तरह से चलाना है, साथ में हाथों का पोजीशन भी चेंज होगा इस तरह बिल्कुल। बहुत ही कमाल की एक्सरसाइज है, पूरी बॉडी से फैट को निचोड़ के रख देगी। तो कहीं वॉकिंग या जॉगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास स्पेस कम है तो भी कितना अच्छा है आपके लिए, बस एक जगह खड़े होकर आपको इन सभी एक्सरसाइज को फॉलो करना है। ऑल राइट, वापस लेते हैं 20 सेकेंड का एक्टिव रेस्ट, और अब हम पहुंच चुके हैं आज की आखिरी एक्सरसाइज पे। सो कंग्रेचुलेशंस, हमने सभी एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कर ली हैं। ओके, लास्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह से बॉक्सिंग करनी है, पहले राइट हैंड से और फिर लेफ्ट हैंड से।
ध्यान से देखिए बिल्कुल कैसे सभी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। सभी एक्सरसाइज 35 सेकंड तक फॉलो करना है, हर एक एक्सरसाइज के बाद 20 सेकंड का रेस्ट जरूर लेना है। ओके, तो अब हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज रह गई है एंड आई एम फीलिंग फैबुलस। तो अब हमें बस इस तरह से क्लॉकवाइज अपने हिप्स को रोटेट करना है, 5 to 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन 5 to 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ओके, कांग्रेचुलेशंस, हमने सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, पता भी नहीं चला 15 मिनट कैसे निकल गए। ओह माय गॉड, सच एन अमेजिंग वर्कआउट। अगर आपने भी मेरे साथ इन सभी एक्सरसाइज को फॉलो किया है तो आप भी फील कर पा रहे होंगे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट एंड एनर्जाइज्ड। सो दोस्तों, अगर आपको इन एक्सरसाइज से अच्छे रिजल्ट चाहिए ना, तो आप इसको कम से कम 21 दिन तक जरूर फॉलो करना और साथ में डाइट जरूर हेल्दी रखना। दोस्तों, अगर डाइट खराब करोगे और अनहेल्दी ज्यादा खाओगे तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो इस बात का ध्यान जरूर रखें, खाने में ऑयल का इस्तेमाल कम करना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो पता है ना क्या करना है, बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर किया करो और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।